शायद आपको सुनने में अचरण लगे, लेकिन एक मंदिर वाकई ऐसा है जो दिन में दो बार कुछ पल के लिए गायब हो जाता है और फिर अपने आप ही मूल रूप में आ जाता है। परमपिता शिव का यह मंदिर गुजरात के वडोदरा शहर से 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित कवि कंबोई गांव में है। यह मंदिर अरब सागर में खंपात की खाड़ी के किनारे स्थित है। समुद्र के बीच में स्थित होने की वजह से इसकी खूबसूरती देखने लायक है। समुद्र के बीच स्थित होने के कारण न केवल इस मंदिर का सौंदर्य बढ़ता है बल्कि एक अनोखी घटना भी देखने को मिलती है। इस मंदिर के दर्शन केवल कम लहरों के समय ही किए जा सकते हैं। ऊंची लहरों के समय पर यह मंदिर डूब जाता है। पानी में डूब जाने के कारण यह मंदिर दिखाई नहीं देता, इसलिए ही इसे गायब मंदिर कहा जाता है। ऊंची लहरें खत्म होने पर मंदिर के ऊपर से धीरे धीरे पानी उतरता है और मंदिर दिखने लगता है। लोक मान्यता के अनुसार संत भेश्वर महादेव मंदिर में स्वयं शिव शंभु विराजते हैं, इसलिए समुद्र देवता स्वयं उनका जलाभिषेक करते हैं। लहरों के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट को घेरे वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नजारा नजर आता है। स्थानीय पुजारियों के मुताबिक संत भेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान नीलकंठेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए स्वयं समुद्र देवता पधारते हैं। जवार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय वहां किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहां दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खास तौर पर पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है ताकि उस वक्त मंदिर में कोई प्रवेश न करे। मंदिर दिन में सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह वापस भी विराजमान वापस आ जाता है। पुराणों में इस तीर्थ का वर्णन है। इस तीर्थ का उल्लेख शिव पुराण में रुद्र संहिता के 11th अध्याय में मिलता है जो इस शिव धाम के अति प्राचीन होने का प्रमाण है। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण के संबंध में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। कथा के अनुसार ताड़कासुर राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भोले शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे कोई न मार सके। इस पर शिव ने कहा यह तो असंभव है। इस पर असुर ने वर मांगा कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है, वह भी 6 दिन की आयु का। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब देवता गणों की विनती पर भगवान भोलेनाथ के 6 वर्षीय पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया। वधोपरांत कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर ने उनके पिता भोलेनाथ का परम भक्त था। इससे उनका मन ग्लानि से भर उठा। तब जगत पालक विष्णु जी ने कार्तिकेय स्वामी से कहा कि आप वध स्थल पर शिवालय बनवाइए, इससे ही आपका मन शांत हो सकेगा। कार्तिकेय स्वामी ने ऐसा ही किया। समस्त देवगणों ने एकत्र होकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक के स्तंभ की स्थापना की। पश्चिम भाग में स्थापित स्तंभ में भगवान शंकर स्वयं आकर विराजमान। तब से ही इस तीर्थ को संत भेश्वर कहा जाता है। संत भेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि और हर अमावस्या पर मेला लगता है। प्रदोष पूर्णमासी और एकादशी को पूरी रात यहाँ चारों पहर पूजा अर्चना होती है। काफी दूर दूर से भक्त समुद्र द्वारा संत भेश्वर महादेव के जलाभिषेक का अद्भुत दृश्य देखने आते हैं और वातावरण में पवित्रता और रमणीयता का अलौकिक संगम नजर आता है। दोस्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की महिमा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं आपके सामने ऐसी और रोचक जानकारी लाता रहूं। धन्यवाद।